से वेल ड्रेस होके जाएं, बेहतरीन है। अल्लाह पाक आपके लिए जदाए खैर करे। बाकी इंशाल्लाह ताला कोई भी पूछना हो ड्रेसिंग के हवाले से, मैंने ईच एंड एवरीथिंग बता दी। जो कौन सी फ्री ऐसी जॉब, ऐसा काम जो आप घर बैठ के कर रहे हैं, ठीक में जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम फ्लेक्सिबल है, आपके वर्क प्लेस आपके लिए एलोकेटेड, कोई स्पेशल प्लेस नहीं है, आप घर बैठ के अपने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जनाब आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, इसको कहेंगे वर्क फ्रॉम होम। इसका बताने का मकसद ये था ताकि आपको इसकी डेफिनेशन पता हो, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे जिन बंदों ने आज की क्लास नहीं दे रहे, जो हमारे शहजादे हैं, कुछ लोगों ने नहीं दी होगी वर्क फ्रॉम होम, वो तो समझ यार घर बैठ के काम करना है, हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे। अगर सपोज डैट वो पूछ ले टेली वर्क क्या होता है, जी सर ने भाई पूछ सकता है ना, वो टेली वर्क क्या होता है, वो आपके पॉइंट से पॉइंट निकाले, टेली वर्क क्या होता है, ये टेली कंप्यूटिंग क्या होता है, रिमोट जॉब क्या होता है, तो क्या करेंगे। तो उसको अपने उस पैनल को क्या कहते हैं हिट करने के लिए, उसकी बात को इम्प्रेस, उसको इम्प्रेस करने के लिए बेहतरीन आप ऐसी टर्म लॉजिक यूज करें जो उसको सुन के मजा आए, यार बच्चे ने तैयारी की है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने टर्म यूज की है, ये मैंने काफी फाइंड आउट करके ये मैंने इसका बारे में लिखा है। ये डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी थी आपको, तो इसको देख लीजिएगा। फिर भी आप घर बैठ कर जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके लिए फ्लेक्सिबल है, वर्क प्लेस आपकी एलोकेटेड नहीं है, स्पेशल नहीं है, ठीक है, और आप लोगों के साथ कम्युनिकेट भी नहीं है, जस्ट आप ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, ये वर्क फ्रॉम होम है, इसे आप टेली कंप्यूटिंग भी कहते हैं और टेली वर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट करिए सर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन आई डू फ्रॉम होम, मैं घर बैठे कौन से काम कर सकता हूँ, कोई भी काम हो सकते हैं, ठीक है, कस्टमर केयर, ठीक है, कस्टमर लोग लोगों की को खिदमत अंजाम दे रहे हैं घर बैठ के, फोन कॉल वगैरह, या कोई भी आप सर्विसेज या मैनेजमेंट टीम से आपका ताल्लुक है, या आपने कभी जॉब की होगी तो लोग कर रहे हैं, मेंबर सर्विसेज प्रेजेंटेटिव, ठीक है, आप घर बैठ के लोगों को सहूलत दे रहे हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आप एज एम्बेसडर किसी टीम के लिए काम कर सकते हैं, जो घर बैठे किसी किस्म का भी काम हो सकता है, जिसमें वेबसाइट टेस्टर है, ऑनलाइन एजुकेशन है, विचुअल असिस्टेंट है, ये तो आप बेहतर पता होगा, आजकल फाइबर वगैरह का दौर है, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे विचुअल असिस्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है। कैप्टनॉर, कैप्टनॉर क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिस जो हमें फायदा भी दे, टाइम भी बचाए और हमारा काम भी हो, ये टर्म इस वजह से, ये स्पेसिफिक टर्म है, ये शायद आप डिस्कस करें और एग्जामिनर पैनल को शायद इसकी समझ भी ना आए, तो ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने इस वजह से ऐड किया, वाला इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी सीईओ स्पेशलिस्ट है और ऑनलाइन थेरेपिस्ट होती है, थेरेपिस्ट किसी किस्म की थेरेपिस्ट, लाजमी नहीं है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट ही हो, ठीक है, ये थेरेपिस्ट कोई भी मेंटली, जिस तरह हम आजकल हमारे क्या कहते हैं जहनी नफ्सियात और माहिर नफ्सियात, ये इस तरह की जितनी भी हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी बॉडी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी मेंटल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, इनको सारों को हम थेरेपिस्ट कहते हैं, ठीक है, और जिसको हमने आजकल एसोसिएट कर दिया है फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, ये थेरेपिस्ट जस्ट आपकी ना बॉडी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, कोई भी आपका जो है फिजिशियन आपको एक विचुअल असिस्टेंट देकर आपको उस उलझनों से निकालता है, ठीक है, ताकि आपको परेशानी के मसले मसाइल हल हो। नेक्स्ट करिएगा सर, घर बैठ के काम करने के क्या फायदे हैं, ठीक है, बेटर वर्क हो सकता है, लाइफ बैलेंस है, ठीक है, लेस कम्यूट स्ट्रेस है, इसे इसका क्या मतलब है, आप घर बैठ के काम कर रहे हैं, आपको कुछ स्ट्रेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई जोर बदन नहीं है, आप घर बैठ के लिए काम कर सकते हैं, लोकेशन इंडिपेंडेंट, लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, छत पर बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए, किचन में बैठे हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, इम्प्रूव द इंक्लूसिविटी, आप ईच एंड एवरीथिंग वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी सोशल मीडिया के थ्रू इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप अपने
उसमें एडवर्टाइजमेंट है, आपकी एक्सेसिबिलिटी जिसमें आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव इंक्लूसिविटी में आता है। इसके बाद मनी सेविंग है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पॉजिटिव जा रहा है, और सस्टेनेबिलिटी है, कस्टमाइजेबल ऑफिस है, क्लोजी क्लोथ है, मतलब यही कपड़े वगैरह का जो है सेल वगैरह कर रहे हैं। इसमें कोजी क्लोथ का मतलब क्या है? कोजी का मतलब है रिलैक्स, जो इसका बेसिक मीनिंग है। पर कोजी क्लोथ आप गूगल करेंगे ना, वो आपको बताएगा कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ क्लोथ। पर कोजी का मतलब असल होता ही एक रिलैक्स होना। आप इजीली जिन मर्जी लिबास में बैठे हुए, ठीक है, आप इजीली काम कर रहे हैं, ठीक है, कपड़ों की पाबंदी नहीं है, ड्रेस पेंट शर्ट की पाबंदी नहीं है, ठीक है, आप इजीली इवन डायर ट्राउजर में, पेंट शर्ट में, शलवार कमीज में इजीली काम कर रहे हैं, आप इजीली लोगों के कॉल अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें हैं, सेव मनी और जीरो कम्यूटिंग, ठीक है। प्रेशर नहीं है लोगों के साथ, गुफ्तगू भी कम है, और आप अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट करिएगा सर। इसके बाद क्या है कि इन एडिशन टू बेनिफिट, वर्किंग फ्रॉम होम कैन कम विद द सेवरल ड्रॉबैक। जाहिर बात है, जिस चीज़ का फायदा उसका नुकसान भी तो है ना। अब मैंने सारे फायदे बता दिए, तो इसका नुकसान क्या है? इंक्रीज आइसोलेशन। जाहिर बात है, आप हर बंदे से अलग थलग हो गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके पेरेंटल रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंड रिलेशनशिप, ठीक है, दोस्तों की कम्युनिटी, सब कुछ अलग हो रही है। आप करें काम काम और काम, जिस तरह ये फाइबर वगैरह या आप वर्क पे काम करने वाले लोग सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, तो इसे क्या ड्रॉबैक हो रहा है कि जो उनकी दोस्तों की कम्युनिटी थी वो खत्म हो गई है। ऑब्वियसली फैमिली से मिलना जुलना खत्म हो गया, सारी रात जाते सारा दिन सोना है, तो कहाँ फैमिली रिलेशनशिप को भी टाइम दिया जाता है। वो इंक्रीज आइसोलेशन, अलहदगी हो गई है, ठीक है। होम ऑफिस कोस्ट, ठीक है, आपका यही है कि जो खर्चे वगैरह हैं वो भी, उस पर भी थोड़ा बहुत ड्रॉबैक होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इनकम होगी तो आप बहुत ही कमा लीजिए, अगर घाटे में सौदा चला गया तो घाटे में हो जाएगा। रिस्क ऑफ ओवर वर्किंग, जाहिर बात है, जब आप काम जब आपके पास ऑर्डर 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 आते रहेंगे तो ओवर वर्किंग तो होगी ना, तो ओवर डिमांडिंग भी होगी, तो उसमें मसले मसाइल होते हैं। डिस्ट्रैक्शन एट होम, ठीक है, आप एक जगह घर में ना बिल्कुल डिस्टर्ब होकर बैठे होते हैं, घर से कोई भी काम आपको कह सकता है, ये भी चीज़ लानी है, वो भी चीज़ लानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, काम भी करना है जो ज़रूरी है, तो मसले मसाइल घर के भी बीच में चलते रहते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस डिस्कनेक्टेड, जारी बात है, जब आप घर बैठ कर काम कर रहे होंगे तो आपकी कम्युनिटी तो डिस्ट्रैक्ट होगी, तो आप अपने दोस्तों के ऐसे सर्कल में बैठ नहीं पाएंगे जहाँ पर जो बातें वगैरह करते हैं बिजनेस की या बिजनेस प्लान की। वहाँ पे जारी बात, दोस्तों के दरमियान एक बिजनेस प्लान का सर्कल चल रहा होता है, तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो वर्किंग प्लेस है वो भी टोटली ओवरऑल खत्म हो जाएगी। सेम वही चीज़ है, इसमें आपका लाइफ बैलेंस बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेस फेस टाइम, जारी बात है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फिजिकल मीटअप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, आप ऑनलाइन ही डीलिंग कर रहे हैं, तो ये नुकसान है इसके। नेक्स्ट करिएगा सर। अब डिसएडवांटेज वर्किंग फ्रॉम होम क्या है? विल पावर, आपकी जितनी भी एबिलिटी कैपेबिलिटी है वो सारी लॉस हो जाती है, आपके जो भी आइडियाज हैं वो घर उस कमरे में महदूद हो जाते हैं, ठीक है ना। वो एक शेर है कि मेरे ख्वाब मेरी मेरी बंद कमरे में ही घूमते रहे, वो बात वही होगी। विल पावर, आपकी एबिलिटी कैपेबिलिटी वो सारी बीच में ही रहेगी, ठीक है ना। आपके आइडियाज शेयर होंगे ना, आप शेयर करेंगे और ना आपने किसी को बताना है, तो जारी बात आपकी विल पावर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी। डिफिकल्टी स्टिकिंग टू रूटीन, जारी बात हो, स्टिकिंग रूटीन हो जाएगी, सख्त रूटीन हो जाएगी, रात को जागना, सुबह दिन काम करना, सोना, फिर यही बोर्डम। बोर्डम क्या होता है? बेसिकली ये होता है सफोकेशन प्रॉब्लम होती है, जब आप सफोकेट हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, उकसा जाते हैं, आपने कहना आज मैंने ये काम करना ही है, ठीक है, आज ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, आज आपके नसीब जागे हुए, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, आप काम पे काम कर रहे हैं, आज आपका उकताहट हो गई, आप मैंने यार आज ये काम नहीं करना, बोलिए, तो फिर आप उससे उकता जाते हैं। जॉब के लिए एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा किस तरह वो होगा। इसके बाद नो सेकंड मोनिटर, जारी बात आपको कोई देख नहीं रहा, आप अपने मोनिटर, आप अपने सीईओ, आप अपने हेड खुद ही,
सारी बात आपने कहना यार आज ये काम चल या कल कर लेंगे, तो अब वो क्या कहते हैं आज का काम हम कल पे छोड़ देते हैं। तो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेक्शन, लोगों के साथ आपकी कम्युनिटी जनरेट नहीं हो पाती, लैक ऑफ इंटरेक्शन, वही बात हो गई, ब्लरी लाइन बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जाहिर बात है जो लोग ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल, और जो ऑब्वियसली फिजिकल जाके ऑफिस में काम करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल में फ़र्क है। जाहिर बात है उन दोनों के ट्रैक में भी फ़र्क है, उनकी आइडियोलॉजी में भी फ़र्क है, उनकी थिंकिंग में भी फ़र्क है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब जो फाइबर वगैरह ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, उन दोनों को अपनी लाइफ स्टाइल का अच्छी तरह बेहतर तरीके से पता होगा। इसमें ओबीज भी लिखते हैं ना, डिसएडवांटेज, मोटापा, मोटापा होता है, और उसमें आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम होती है, आपकी वेट इंक्रीज होता है, आइज प्रॉब्लम हो जाते हैं, और आपके मोहरों का दर्द, कमर का दर्द, वो भी बीच में ऐड कर लें आप। कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जारी बात है आपके इश्यूज होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता, और घर बैठ के फिर आप ऑनलाइन ऑनलाइन टाइपिंग के थ्रू ही बस आप अफसर ही बने रहेंगे। जब आपसे जब कोई फेस टू फेस बात करेगा आपको बात नहीं आनी, काफी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट करिएगा सर। ये मैंने एक ऊपर एक मैंने लिंक दिया हुआ है, बेहतरीन लिंक है, ठीक है, उसमें से प्रो एंड कॉन्स निकाले मैंने, बेहतरीन है, बेहतरीन है, इजीली समझने के लिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें बता दी गई है, सारी कहानी समझ लग जाएगी। ये लिंक आपने ओपन कर, ये नीचे वाला लिंक आखिर वाला ओपन करना है, आपको कहानी समझ लग जाएगी। इसका फायदा क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड एंट्रेंट। अब होता है क्या है कि टाइम अवेलेबल होता है, आप लोगों के साथ गपशप करते हैं, अपने अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, अपने असाइनमेंट लेते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। जबकि इसका नुकसान क्या है कि जनाब आप कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं होती वर्क में, ठीक है, और आप ऑनलाइन ही सब कुछ चला रहे होते हैं, ठीक है, एक फ़ायदा और एक नुकसान, एक फ़ायदा और एक नुकसान, ठीक है। ये मैंने सारा डिटेल से बता दिया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अब इसमें फ्यू इंटरप्शन फ्रॉम द मीटिंग एंड चैट, ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, आप लोगों के साथ इंटरप्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो लोग आपके कुछ आपको कुछ नए आइडियाज देते हैं, कुछ आपके आइडियाज़ के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका ये तो फ़ायदा होगा, नुकसान क्या होगा कि इजी टू मिसरीड क्यूज वे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, वही बात होगी। इसका फ़ायदा क्या है, नो कम्यूट टाइम एंड और एक्सपेंसिव, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका जो फ़ायदा ये हो रहा है कि आप लोगों के साथ जो टाइम अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लिमिट तो खैर नहीं होगी, तो आप मैक्सिमम टाइम होगा लोगों के साथ इंटरेक्शन है। जबकि इसका नुकसान ये होगा कि जनाब कि आप कमरे में बैठ के आप एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और खुद ही लगे हुए हैं, ठीक है, आइडियाज शेयर नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो दो लिंक मैंने शेयर किए हैं आप इसे काइंडली ओपन करके देख लीजिएगा, तो मजीद आपकी आसानी के लिए ना ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा सर। ये हमारा एक टॉपिक हो गया कि वर्क फ्रॉम होम। अब हमारे पीछे तीन टॉपिक रह गए, हम उनका भी डिस्कस कर लेते हैं। अब टेलीविजन के दो रोल होते हैं, इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन, वही बात हो गई। जब आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के दो मकसद होते हैं। हमारे पेरेंट्स के मकसद क्या होगा, हमारे वालिद साहब का या वालदा का टीवी देखने का मकसद क्या होगा, या हमारा टीवी देखने का मकसद क्या होगा, ऑब्वियसली आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमारे वालिद साहब टीवी ऑन करेंगे तो वो न्यूज़ चैनल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तेल बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना वजीर पाकिस्तान में आया, फलानी तरक्की हुई, फलाना सब्सिडी पाकिस्तान में आई, न्यू इनोवेटिव नई टेक्नोलॉजी आजाद हो गई है, या न्यू कुछ इनोवेटिव आइडियाज पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, या कोई भी न्यू प्रोग्राम पाकिस्तान में आ रहा है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपने इसको डिफाइन कर दिया, इंफॉर्मेशन टेलीविजन हैव अ रोल टू इन्फॉर्म। आपको जो है टेलीविजन जो है आपको मालूमात दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह आप कंपैरिजन में ले आए इसको, जो हमारे यंग जनरेशन है वही टीवी पे गाने और वही ड्रामे, ठीक है, वही रूटीन चल रही है, वही देख रहे हैं, मतलब मीन के ऑटोमेटिकली आपने दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर दिया ना।
ठीक है, इसी तरह ही सीएसएस वाला बंदा, अब ये जो सीएसएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हेडलाइन सुनेगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट, वो कभी टीवी पे गाने सुनता हुआ या ड्रामे देखता हुआ कभी नजर नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेलीविजन हैव अ रोल टू इन्फॉर्म नेशन, हमें टेलीविजन हमें मालूमात दे रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें टेलीविजन हमें इंटरटेन भी कर रहा है, इंटरटेन करने में और मालूमात देने में फ़र्क है, वो मैं आगे बताता हूँ। आगे कह रहा है इसके वैसे, इसको जो पॉइंट आगे पूरा जो टॉपिक है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन विच ऑफ दीज रोल्स यू सी एज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग जो बंदे इसके रोल्स पे बात करेंगे तो बेहतरीन छक्का चौका लगाएंगे। जरी बात है, इंटरटेनमेंट से आप क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं फ़ायदा होना मेरे अकॉर्डिंग। बदल आप क्या सोचते हैं ये आप कल ही बता पाएंगे, बदल इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का क्या किरदार है हमारी है क्या चीज़। हर बंदे के घर में टीवी है, ठीक है, आजकल मॉडर्न सोसाइटी चल रही है, ठीक है, ये हमारी जिंदगी का बेहतरीन पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट ड्यूटी टू इन्फॉर्म, हमें इन्फॉर्म कर रहा है, एडुकेट कर रहा है और एंटरटेन कर रहा है, वही बात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टेलीविजन हेल्प अस इन अवर डेली लाइफ। पहले रोल बताया, अब बताया कि हमारे टेलीविजन का हमारी जिंदगी में हमें कैसे हेल्प करती है, तो वो आगे डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटरटेनिंग प्रोवाइड इंटरटेनमेंट बट आल्सो अलाउ अस एक्सेस टू ग्रेट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ग्रेट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। बीएनएन की आप निकाल लीजिए, अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल में टीवी निकाल लें आप, उनका इंग्लिश ब्रिटिश चैनल भी है, हमारे चाइनीज चैनल भी आते हैं, तो कोई इंफॉर्मेटिव चैनल भी है, जिस तरह नेशनल ज्योग्राफिक, ठीक है, PSTV, ठीक है, PSTV इस्लामिक नॉलेज दे रहा है हमें, नेशनल ज्योग्राफिक हमें ज्योग्राफी की दे रहा है, ठीक है, हमारे कुछ पाकिस्तानी ऐसे चैनल हैं जो हमें, जिस तरह स्पोर्ट्स चैनल है वो सिर्फ हमें स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस तरह जियो स्पोर्ट्स, ठीक है, तो हमें मालूमात मिल रही है पूरी दुनिया से, घूम घुमा के हमारी तरफ मालूमात आ रही है, डिफरेंट चैनल, हंड्रेड ऑफ चैनल दैट प्रोवाइड द मूवीज म्यूजिक फैशन स्पोर्ट्स एंड न्यूज, तो सारा बेहतरीन आप जानते हैं, वो आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट करिएगा सर, नेक्स्ट करिएगा सर, इसे आगे करिए। आगे है कि व्हाई टेलीविजन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या टेलीविजन हमारे लिए मालूमात का एक बेहतरीन दर्जा है, क्यों है, ठीक है, व्हाई क्यों है। मैंने इसमें एक बोल्ड किया वर्ड, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्रेडिबल, बहुत सारी मालूमात है जो हमें टीवी पर रोजाना दी जाती है, हमारी फाइनेंस के बारे में दी जाती है, बैंकिंग के बारे में दी जाती है, हमारे एजुकेशन के हवाले से दी जा रही है, हमें हेल्थ इश्यूज के बारे में, जिस तरह कोरोना है, कोरोना भी एक हेल्थ इशू में भी ऐड होता है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। हमें कोरोना का कैसे पता चला है जनाब, इसके कितने कैसे सिम्टम्स हैं, कितने सिम्टम्स हैं, इसकी बीमारियां क्या हैं, इसे होता क्या है, इसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन हम यूज कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेलीविजन के जरिए हमें प्रोवाइड किया गया ना। हर चीज़ तो फेसबुक पे सोशल मीडिया के थ्रू तो ऐसे तो नहीं पहुंचती ना, टीवी ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो ये सारी चीजें ना बहुत ऑथेंटिकेट होती हैं और ट्रस्टवर्थी होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें ना इस पे यकीन करना भी हमें लाजमी होता है, क्योंकि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी हमारा इंस्टाग्राम है, हम चीज़ें एडिटेबल होती हैं, पर जो टेलीविजन है वो हमें एक ऑथेंटिक सोर्स और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ जी ये मालूमात ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द टेलीविजन अ पॉपुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बेहतरीन बेहतरीन इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, कैसे मशहूर मालूमात कैसे दे रहा है। आगे मैंने इसका हाईलाइट किया हुआ, ऑफर व्यूअर्स मोर एक्यूरेट न्यूज दैट प्रोवाइडेड बाय जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जर्नलिज्म
अब जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमारे जिस तरह पे हमला हुआ है, कराची में धमाका हुआ है, या ये फलाने आज ये सब्सिडी आई है, आज ये सब्सिडी रेंज हुई है, या गवर्नमेंट ने हमें क्या पैकेजेस दिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ये एनालिस्ट के जरिए पता चलेगा, जर्नलिस्ट के जरिए पता चलेगा जो वहाँ पे उनके ऑफिस में बैठ के मालूमात दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, नेक्स्ट करिएगा सर। हाउ टेलीविजन इज द सोर्स ऑफ एजुकेशन, हमने उसकी भी बात कर ली, इंफॉर्मेशन की भी बात कर ली, हम इंटरटेनमेंट की बात आगे करेंगे, बार एजुकेशन को भी बीच में डिस्कस करना लाजमी है। टेलीविजन कैन टीच द किड्स इम्पोर्टेंट वैल्यू एंड लाइफ लेसन, हमें वो बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों के लिए जो चैनल लॉन्च किए गए हैं जिनमें बच्चों की लर्निंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं, सोशलाइज हो रहे हैं बच्चे, न्यू इवेंट्स, ऐसे हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ मालूमात दे रहे हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ों से आगाह कर रहे हैं बच्चों को। और मैं देख रहा था कि पीस टीवी जैसा एक चैनल है हमारे ये चैनल में, जो बच्चों को पारा पढ़ा रहा है, कुराने पाक का पारा पढ़ा रहा है, बच्चों को कुराने पाक पढ़ना सिखा रहा है। तो माशाल्लाह दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंग, टेलीविजन के जरिए आपको एजुकेशन भी मिल रही है, आप अपने दीन इस्लाम की तरफ भी सीखने का भी मौका मिल रहा है बच्चों का खासतौर पे। तो ये चीज़ है, तो ये एजुकेशन का भी सोर्स है जिससे हम कल्चर का, लोगों की, सोसाइटी का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का और लर्निंग से इसका बड़ी अच्छी तरह पता चलता है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मुझे लगता है कि मैंने ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, अगर आपको इसके अंगेंस्ट भी बोलना है वो भी आप इजीली बोल सकते हैं, इसके ऑपोजिट आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट करिएगा सर। अब ये टेलीविजन ऑफर आर लोड्स ऑफ बेनिफिट, टेलीविजन से हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, क्या क्या फायदा हो रहा है? टू क्रिएट अ पावरफुल टच स्टोन, मालूमात हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो किसी भी रेलिवेंट है, जियोग्राफी के रेलिवेंट है, एरोस्पेसिस के रेलिवेंट है, एग्रीकल्चर के रेलिवेंट है, एजुकेशन के हवाले से है, ठीक है, कोई प्लेसेस के हवाले से, कोई सब्सिडीज के हवाले से, जारी बात है पावरफुल इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो हमें टेलीविजन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, गेटिंग बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, हमें टेलीविजन पे हमें बुक्स के रिलेटेड भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सर पिछले दिनों जब कोविड का नया नया स्टार्ट हुआ था, जब कोविड का, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है इन्होंने सेशन स्टार्ट किया था ऑनलाइन टीचिंग का, जो जिनको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए, बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो अप करने का कहा गया था गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ना, कि आप बच्चों को कहें कि वो लाजमी चैनल वो देखें, वहाँ पर बच्चों को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक इनोवेटिव चीज़ थी, जाहिर बात है जो चैनल चला है पंजाब पंजाब टेक्स्ट बुक के, जो टेक्स्ट बुक को जो डील कर रहे हैं उन्होंने ये चैनल चलाया था, जो बच्चों को मालूमात दे रहे थे उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड, हर क्लास के बच्चे के लिए ना, 1 से लेकर 10 तक जो भी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो उनके करिकुलम था उनके रिलेटेड सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया था। अगला पॉइंट है कि टेलीविजन कैन टीच इम्पोर्टेंट वैल्यूज एंड लाइफ लेसन, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इम्पोर्टेंट वैल्यूज हमारे कल्चर के बारे में, लाइफ लेसन कई ऐसे हैं कि जो हमें कुछ ना कुछ बूस्टअप करते हैं चीज़ों को ना, हमें बूस्टअप करते हैं कि हमें यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लाइफ लेसन काफ़ी मिलते हैं, डिवेल्प सोशलाइजेशन एंड लर्निंग स्किल भी इनक्रीज होती है, ठीक है। और जो हमारे जवान लोग हैं, यंग पीपल है, ठीक है, अवेयर ऑफ अदर कल्चर, उनको डिफरेंट कल्चर्स देखने का मौका मिलता है, जिस तरह हमारा जियो चैनल है ये चाइनीज कल्चर भी दिखाता है, अमेरिकन कल्चर भी दिखाता है, ब्रिटिश कल्चर भी दिखाता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि डिफरेंट कल्चर से हम ना आगाह हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, ठीक है, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं, मुझे उन साहब का नाम तो नहीं आता, वो डिफरेंट इस्लामिक प्लेसेस पे जाके ना डिफरेंट अम्बिया इकराम की इंफॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह मैं देख रहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उन्होंने दरबार दिखाया था, कहाँ पर दरबार है, जहाँ पे उन डिस्कुएं में उनको फेंका गया था, वो कुआँ कहाँ है,
ठीक है। और जिस तरह अभी रमज़ान में जो मूवीज चलती हैं, हज़रत यूसुफ के रेलिवेंट जो भी मूवीज चलती हैं, ये भी एक नॉलेज का सोर्स ही है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह आप कुएं से निकाले गए, क्या क्या मामला हुए थे, किस तरह सारे मामला चले थे, कहाँ से गांव से आकर फिर मिस्र में जाकर बादशाह बनना, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें टेलीविजन ने प्रोवाइड की है। तो आज के बिजी दौर में हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम ये सारी हिस्ट्री पढ़ें, बल ये टेलीविजन ने काफी हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया। तो नेक्स्ट करिएगा। इसके बाद है कि न्यू टेक्नोलॉजी का आपको पता चलता है, साइबर एक्सटेंशन, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंप्यूटर इंटरनेट के रिलेटेड, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ज़राअत के बारे में पता चल रहा है, क्या नया कोई भी ज़राअत के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी नया सीड या नया बीज या कोई भी नया इनोवेटिव प्लांट आया, या कोई भी ब्यूटी वैरायटी या कॉटन की वैरायटी, वो सारा हमें पता चलता है। फार्मिंग को हमें चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है, और ये हमें इन्होंने काफ़ी एग्रीकल्चर हवाले से ये तरक्की दी है, जिसने एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया है। तो ये सारी चीज़ें टेलीविजन के महूने मिलना था, इंटरनेट तो अब आया है, ये सारा टेलीविजन के महूने मिलना था ना। कल्चर एक्सचेंज भी हमारा हो रहा है, तो हमें बताया जाता है कि चाइना में किस तरह राइस की प्रोडक्शन हो रही है, और ये हमें शुरू शुरू में तभी पता चला था, 8th 9th 10th में मुझे पता चला कि चाइना राइस की प्रोडक्शन बहुत करता है। तो इस तरह उन्होंने कल्चर दिखाया, तो हमें चाइनीज कल्चर का भी पता चला है किस तरह उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज होती है राइस की। तो ये सब टेलीविजन के ही होने में मिलता है। नेक्स्ट करिएगा सर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब पहले हमने इसको सारी इंफॉर्मेशन बता दी, क्या क्या हमें फायदा हो सकता है एजुकेशन के हवाले से, मालूम के हवाले से, अब हम बात करते हैं कि हमें इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट महजूज किस तरह होंगे। ये मैंने वो इंडियन लिखा गया है, वैसे ये इंटरटेनमेंट वही पूरी दुनिया में वही इंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, डांस है, फिल्म है, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, गैम्बलिंग, स्पोर्ट्स और प्रॉपर्टी होता है। ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, जितने भी ये मजाह नकार होते हैं, जो जितने भी ये जो जिस तरह वो कपल कॉमेडी शो, वो इस भी हैं, ये सारे इंटरनेट इंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। नेक्स्ट करिएगा सर। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट। प्लेटफॉर्म क्या है, बाय द डेफिनेशन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म इज एन ऑन डिमांड ऑनलाइन एंटरटेनमेंट। जारी बात है, जो आप डिमांड दे देंगे यूट्यूब को गूगल को, वही आना है ना। तो जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आप गूगल को डिमांड देंगे वही आएगा, चाहे आप टीवी शो देख ले, मूवी देख ले, स्ट्रीमिंग मीडिया देख ले, या न्यूज़ चैनल देख ले, जहाँ पे डिपेंडेंट है, जिसमें आजकल नेटफ्लिक्स 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 वो चला हुआ है। तो सही बात है, ये सारे इंटरटेनमेंट का ही जरिए है। ये नीचे मैंने लिंक दी है, वही बात, आप ये लिंक इंपॉर्टेंट है, जो मैं डाटा कुछ ना कुछ डाटा इधर उधर से रिसर्च आउट करके, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लिंक लगता है वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। नेक्स्ट करिएगा सर। अब इसके टेलीविजन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वही है, बच्चों के लिए बहुत सारे इसके लिए नुकसानदेह है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना, ठीक है, बच्चों की जो सोशलाइजेशन भी है वो भी चेंज हो रही है। मुझे याद पड़ता है कि मेरी खाला का बेटा था, वो ये इंडियन कार्टून बड़ा देखता था, वो जो जिसमें उन्होंने भूत वगैरह बने होते थे, और वो भी उन्हीं की जुबान में बात करता था, जो जो वो हिंदी के अल्फाज यूज़ करते वो भी वही अल्फाज यूज़ करने लग गया था, पर उसकी मामा ने बाद में उसको वो टीवी चैनल वो छुड़वा दिया था, उसको लॉक कर दिया था। सेम इसी तरह बच्चों के लिए अफेक्टिव है, ठीक है, काफ़ी ये बच्चे इसको एक दफ़ा अट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो देखते ही रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों के लिए भी, ठीक है, लैक ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल स्किल। अब जो कार्टून वगैरह देखते हैं इसमें लैंग्वेज तो कम इस्तेमाल होती है, बाकी वो इशारों से ही काम चल रहा होता है, जिस तरह वो टॉम एंड जेरी, ठीक है, आवाज़ नहीं है उसमें, बस इशारों से है, या तो लाफिंग की आवाज़ है, या तो मारकुटाई की आवाज़ आ रही है, या तो कुछ हंसने की आवाज़ आ रही है, बोलने की आवाज़ नहीं, लैक ऑफ लैंग्वेज, बच्चा समझेगा नहीं वो बोल क्या रहा है, बच्चे खुद इशारों में बात करेगा, जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो
तो किल्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. ऑब्वियसली बच्चा है, मेरी अपनी भांजी है, भतीजी सॉरी, तो वही मेरी मदर कहती है इसके, अब हमें जैसे ख्वाब आते हैं क्या इसको भी ख्वाब आते होंगे भाई, इसको क्या ख्वाब आने, वही कार्टून, वही रेन में वही टॉम एंड जेरी घूम रहा होगा बच्चे के रेन में, अब उसके रेन में क्या ख्याल आएंगे, तो वही टॉम एंड जेरी ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था. देखें किल क्रिएटिविटी, आपकी जो सलाहियत थी, खुदादाद सलाहियत थी, वो तो खत्म हो जाएगी ना, इमेजिनेशन आपकी सोच खत्म हो जाएगी. आप बच्चे बच्चा कोई भी काम करेगा वो कहेगा नहीं हाँ जी, वो टॉम एंड जेरी में नहीं ऐसे, टॉम एंड जेरी ने भी ऐसे ही किया था, ठीक है ना. ये बच्चे का एक जस्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, बच्चे इस तरह करते हैं. लैक ऑफ फोकस, अनप्रोडक्टिव होता है, ओबेसिटी होता है, मोटापा हो जाता है, हार्ट एंड आई हेल्थ रिस्क, बात आंखों का नुकसान, सेहत का नुकसान, बैठ बैठ के मोटे होंगे तुलना ना करे, अल्लाह ना करे, हार्ट अटैक के चांसेस, या कमर के मोरों के हिलने के चांसेस होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है. वही मैंने पहले बात बताई है, बच्चों को अगर वही आप इंडियन कार्टून दिखाएंगे, वही लैंग्वेज वो सुनने को उसको मिलेगी, तो वही वो बोलेगा, नेगेटिव बिहेवियर होगा ना, वो कार्टून में गुस्सा करते हैं, बच्चा भी गुस्सा करेगा इसी तरह, सेम इसी तरह. नेक्स्ट करिएगा सर. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, टेलीविजन का रोल, जिसमें हमने बताया था कि इसकी हमें हम इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एजुकेशन भी रिसीव कर सकते हैं, हमें इससे दीनी मालूमात भी मिलती है, और हमें हमारा इसका नुकसान भी क्या है, ये सारा मैंने इस स्लाइड में सारा डिस्कस कर दिया. अब ये टॉपिक है, ये भी बेहतरीन टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है. इसमें मैंने मेंशन किया, डज द एडवेंट ऑफ इंटरनेट चेंज द रोल ऑफ टीचर, क्या आया कि इंटरनेट आने से टीचर की रिप्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई. अब ऑब्वियसली हम भी उसी का ही पार्ट है, फिजिकल एजुकेशन तो नहीं दे रहे, रिप्लेस हो गया हमारा, ठीक है, जिन्होंने हमें एग्रीकल्चर पढ़ाई, जिन्होंने हमें एंटोमोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई, ठीक है, अब वो आजकल हमें पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो सारी बात है उससे क्या होगा कि टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, ठीक है, आप LMS पे लेक्चर डाउनलोड करें उसको सुने, सारी बात, टीचर तो रिप्लेस हो ही गया, तो इससे क्या नुकसान होगा कि हम टीचर से फिजिकल इंट्रैक्शन जो सॉरी फेस टू फेस इंट्रैक्शन जो हमारा होना था वो खत्म हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन भी ऑटोमेटिक खत्म हो गया. इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब क्या है ये पढ़े, हु एवर टीचर लर्न इन द एक्ट ऑफ टीचिंग, जो बंदा पढ़ाता है, जो बंदा पढ़ा रहा है, जो सीखता है वो उसको पढ़ाता भी है, होम लर्न दी टीच इन द एक्ट ऑफ लर्निंग, पहली बात तो जो बंदा सीखता है वो पढ़ाता भी है, ठीक है, जो पढ़ता है वो पढ़ाता भी है, मीन के अगर ए है वो बी है, वो बी है वो ए है, सारी बात. अगर आप देखें आज माशाल्लाह जुनेद भाई हैं, बाकी जो हमारे जितने भी कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इवन के मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, किसकी उन्होंने मिलने से अपने असाज़ा कराम की, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अपना बैचलर में पढ़ाया, अपने MS में पढ़ाया, ठीक है, उनसे मैंने नॉलेज लिया, वही बात सेम, ठीक है, आप टीचर से सीखते हैं फिर आप पढ़ाने के काबिल होते हैं, जब आप पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं, जब आप सीख चुके होते हैं, आप लोगों को पढ़ाने के काबिल होते हैं. आज मैं यहाँ बैठा हूँ, या बाकी जितने भी टीचर यहाँ बैठे हुए हैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, ये किसी की किसकी मरहूने मिन्नत है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की फैकल्टी की मरहूने मिन्नत है, तो हम यहाँ बैठे हैं. ये देखें ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है, अगर आप ये बंदा इस टॉपिक में ऐड करेगा वो कहेगा वाह जी वाह क्या बात है जी, बड़ी अच्छी प्रोवर्ब डाली है. ठीक, रोल ऑफ टीचर एंड टेक्नोलॉजी एडमिट द COVID-19 पेंडेमिक, ये मैंने इसका एक रिसर्च आर्टिकल डाला है कि कोविड ने ये अब वही मैंने बात की है, आप इसमें अगर ये चीज़ ऐड कर देना कि जी फलाना आर्टिकल पब्लिश हुआ था COVID-19 के पेंडेमिक इश्यूज में, कि तभी तो पता चला है ना कि टीचर किस तरह रिप्लेस हुआ है इंटरनेट आने की वजह से. मुझे नहीं याद पड़ता कि जब कोरोना से पहले कोई ऑनलाइन क्लास का कोई कॉन्सेप्ट था, मैंने तो पहली दफा सुना था. हाँ जूम का मुझे पता था, जूम की मीटिंग वगैरह का मुझे पता था, पर फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट मेरे मैंने शायद आपने भी देखा हो, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक के दौरान ये आपको पता चला हो कि ऑनलाइन क्लास का क्या चक्कर या क्या सीन होता है. तो आप ये मेरा भाई सारे ये पेपर पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा सर.
अगला है कि डज द एडवेंट ऑफ टीचर चेंज द रोल ऑफ टीचर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। अब इंटरनेट का टीचिंग पे और लर्निंग पे क्या असर हो रहा है, ठीक है, तो हमें इसके कुछ फवायद भी नजर आएंगे इसमें से, वो मैं बताता हूँ। इट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैनी मैनी वेज। जारी बात, आपकी एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ डालेंगे, गूगल डालेंगे, तो एक ही टॉपिक पर डालेंगे तो 1000 टॉपिक निकल आएंगे। यूट्यूब पर डालेंगे तो 1000 यूट्यूबर ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको एक ही टॉपिक पे हज़ारों हज़ारों सीरीज देने के लिए बैठेंगे। जारी बात, टीचिंग इम्प्रूवमेंट तो हुआ है ना, ठीक है। आगे है, आगे बात करते हैं हाउ द रोल ऑफ टीचर हैज चेंज। अब टीचर का किरदार कैसे चेंज हुआ है इस ऑनलाइन सिस्टम के दौरान, ये पढ़ते हैं। टीचर रोल हैज चेंज फ्रॉम बीइंग एज अ फ्लैग ऑन द स्टेज बिकमिंग अ फैसिलिटेटर टू लर्निंग प्रोसेस। अब जो बंदा फैसिलिटेट करता है, हमें फैसिलिटेट कर रहा है फिजिकली, ठीक है, उसका लर्निंग बिहेवियर कुछ और होगा, उसका लर्निंग एटीट्यूड और होगा, उसका टॉकिंग बिहेवियर कुछ होगा, बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर कुछ और होगा, मेंटेलिटी कुछ और होगी, कॉन्सेप्ट और होंगे। समझ रहे बात आप, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेंज, ठीक है। अगर टीचर टीचर को जनाब गुस्सा आ रहा है, वो जनाब पूरी क्लास को दिखाएगा, पूरी क्लास को नजर भी जाएगा जनाब, हाँ जी ये टीचर को गुस्सा आ रहा है, हमें खामोश हो जाना चाहिए ड्यूरिंग जो है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ टीचर ये गुस्सा कर सकता है, क्लास लीव कर देगा, ये सारे गए बाहर बस, हाँ ये गुस्सा है टीचर के लिए ऑनलाइन सिस्टम में। बाकी टीचर के लिए जब जब फिजिकल क्लासेस ले रहा होगा तब भी फलाने को उठा के, चल भी असलम बाहर चले जाओ, अमजद तुम मुझे नज़र ना आना 2 दिन, बस इसी तरह के देखे ना, जो टीचर के बिहेवियर का, उसके एक्ट का, उसके एटीट्यूड का पता चलता है। तो उसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब ऑनलाइन सिस्टम में टीचर की रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई। अब वो रिस्पेक्ट नहीं थी टीचर की, जो फिजिकल क्लासेस के दौरान जो टीचर की रिस्पेक्ट थी ना हमारे सुपरवाइजर की या जो भी हमारे टीचर, वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट करिएगा सर। हाउ हैज द इंटरनेट चेंज द एजुकेशन, हमारी इंटरनेट ने हमारी एजुकेशन किस तरह तब्दील की है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ डाटा आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, स्टडी मटेरियल, एजुकेशन के हवाले से कुछ भी जो है एवरीथिंग डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप अगर किसी लर्नर बच्चे को या बिगनर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, ABC दिखाना चाहते हैं, आप इंटरटेनमेंट गेम्स लगा दें, जिस तरह मेरी भांजी पढ़ती है ABC, वो कार्टून्स कार्टून जो है वो देखती है, कार्टून में ABC बोलते हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि अब वो जो है ना ऑनलाइन लर्निंग दो चीज़ें सिखा रही है, उस बच्चे को इंटरटेन भी कर रही है, उस बच्चे को पढ़ा भी रही है। अब मैंने, मेरी सिस्टर आई भी थी तो वो ना उसने अपने फ़ोन पे लगाया हुआ था ABCD की कुछ एनिमेटेड वो वीडियो देख रही थी। अब उसे क्या है, बच्ची उसके साथ अट्रैक्ट भी हो रही है, उस वीडियोस को देख रही है, इंटरटेन हो रही है, साथ में उसकी वालदा उसको सीरीलैक खिला रही है, ठीक है, और उसके मुँह में कुछ ना कुछ डाल रही है, ठीक है, और वो बच्चा सीख भी रहा है। अब माशाल्लाह से वो ABC बोलना सीख भी गई है, ठीक है। डिफरेंट इंटरनेट ने आपकी ज़िंदगी, एजुकेशन, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया तो है, बट फिजिकली भी कुछ ना कुछ असरअंदाज हुई चीज़ें। आगे आते हैं कि चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज तब्दील हो गया है, फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज चेंज हो गया है। उसका एविडेंस ये नीचे है, आपके सोचने की, समझने की जो सलाहियत थी, आप अपने फिजिकल क्लास में बैठ के जो भी सोच सकते थे, जो भी आइडियाज सोच सकते थे, वो फिजिकल वो नहीं, वो ऑनलाइन में वो चीज़ आपको ना समझ में नहीं आई। अचानक को टीचर पढ़ा रहा था, आपके जहन में बात आ गई, ओ जी सर मैंने तो लाइजोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे पढ़ा था FSC में, या मैंने एक नया आर्टिकल पढ़ा था, एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द पावर ऑफ इज द पावर सेल जो है डिपार्टमेंट है, जहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है। तो ये आपकी एक जिस तरह अचानक से जहन में बात आ जाना, फिजिकली टीचर को बयान करते थिंकिंग ऑफ मोर नॉलेज है,
ये ऑनलाइन सिस्टम में ये चीज खत्म हो गई है। अगली बात है कि आपको ना जो जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो भी फिजिकली डाटा अवेल होना था वो ऑनलाइन एजुकेशन में वो डाटा अवेल नहीं है, ठीक है। और प्रोपोर्शन टोटली एजुकेशन प्रमोशन प्रोपोर्शन टोटली चेंज हो चुकी है। आपको कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकली आप टीचर से अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जबकि आप ऑनलाइन में वो चीज़ें दरकार नहीं है। आगे है कि जो इकोनॉमी डेट्स थी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अब जिस तरह एम एन एम पी एज या पोलिटिकल पार्टीज की ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, उन मीटिंग का क्या फ़ायदा? उन मीटिंग का तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। किस तरह हमें फ़ायदा नहीं होगा? तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज है वो शेयर नहीं हो रहा, ठीक है। न्यू आइडियाज शेयर नहीं हो रहे। जो लिखी लिखाई किताबें जो उनके पास लिखे लिखाए आर्टिकल जो उनके राइटर ने उनके लिख के दिए बस वही उनके सामने पड़े हैं, वही पढ़ी जा रहे हैं। तो न्यू ट्रांसफर ऑफ आइडियोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन नहीं हो रही। ये मसले मसाइल हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज चेंज हो गया, कल चेंज हुआ है। जारी बात है आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोमेन आपकी चेंज हो गई है, नॉलेज जनरेशन वो आपने नहीं हो पा रही, ठीक है। सारा डाटा वही कॉपी पेस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हैं उठा के। और वो आपको टोटली कल्चर जो है डेवलपमेंट वो रुक गई है। नेक्स्ट करिएगा सर। हाउ वाज द रोल ऑफ आईसीटी? इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईसीटी का नाम है। आईसीटी हैज इफेक्टिव इंप्रूव द वे ऑफ सोसाइटी डज बिजनेस। ऑब्वियसली जहाँ पर हम बात करेंगे इसकी के इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों की इनोवेशन तो की है, वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी इनोवेटिव हो गई है। इनोवेटिव हुई है तो हमारे बिजनेस प्लान भी अच्छे हो गए हैं। हमारे बिजनेस प्लान भी बेहतर हो गए हैं, हमारी थिंकिंग आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई है। हम अपने जितने भी कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी के तहत हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मरहूने मिन्नत है, इंटरनेट 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 और इंटरनेट की मरहूने मिन्नत है। अगर इसका आप पॉजिटिव पहलू लेंगे तो पॉजिटिव पहलू से 100 बातें निकल आएंगी, अगर नेगेटिव पहलू खींचेंगे तो नेगेटिव पहलू से बहुत सारी बातें निकल आएंगी। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें या तीन चीज़ें मैंने इसी वजह से डिस्क्राइब की हैं। आप इनको पढ़ें, आपका माइंड माइंड स्टॉर्मिंग हो, आपको चीज़ें पता चलें, आप उनका खुद ही प्लान कर सकते हैं हमने भी कल को क्या बोलना है। आगे ये क्या कि आईसीटी के साथ क्या तब्दीली आई है? सिंप्लीफाई द लेसन प्रिपरेशन, आप आसानी से अपना सबक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग असेसमेंट हो सकती है, करेज द कलेबोरेशन हो सकती है, आप आसानी से अपना जो डाटा है इजीली टेक्नोलॉजी के तहत अपना शेयर कर सकते हैं और अपना उसके असेसमेंट करवा सकते हैं। इनकरेज द कलेबोरेशन, वही बात हो गई। इंट्रोड्यूसिंग इंटरेक्टिविटी, सेम वही चीज़ें जो मैं सारी बता चुका हूँ। नेक्स्ट करिए सर। सर काइंडली नेक्स्ट करिएगा। ये ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। इंक्रीज द सेल्फ लर्निंग हो रही है, डिस्टेंस लर्निंग है, 24 घंटे 7 दिन आप इजीली जो मर्जी टॉपिक करें आप ओपन कर सकते हैं। ई लर्निंग हो रही है, फ्लिप लर्निंग हो रही है, जब चाहे जब ओपन कर लिया जब चाहे बंद कर लिया। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट तरह के आपको इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। वो ही सारी चीज़ें जो मैं सारे पीछे बयान कर चुका हूँ, आप इनको देखें, इनको पढ़ें। जिन बंदों का टॉपिक इनकी एग्री के को एग्री करने के बारे में उसको एग्री के रिलेटेड देखें, और जिनका इनके ऑपोजिट है वो उसके ऑपोजिट के रिलेटेड देखें। नेक्स्ट करिएगा सर। सर काइंडली नेक्स्ट करिएगा। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट।
जहरी बात है, अब टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान क्या फर्क या मुतनादा आ रहा है? असेस टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जो टीचर के साथ फिजिकली आपका इंटरेक्शन था वो खत्म हो गया, आप उसे अपना डाटा वगैरह नहीं फिजिकली शेयर कर सकते, ठीक है? तो ये सब पड़ा है, टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? टीचर रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, और टून, जो टीचर की टून है, टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन की जो टून है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, सारा चेंज हो चुका है हर चीज़। अगर हमें, अगर इंटरनेट पे कोई ना कोई अच्छे पहलू भी हैं, उसके गलत पहलू भी हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप इसको देखें, पढ़ें। ये टॉपिक बहुत आसान था और इसके बारे में मैंने ना बता दिया है, आप इसको देखें और इसको समझें और करके लिए तैयारी करें। कनेक्ट करिएगा प्लीज। सर आप कुछ चीज इसमें ऐड करना चाहें तो? नहीं सर, ठीक है। बस वो बताना था कि आईसीटी जो है ना, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। जी जी ठीक है सर। जी मुझे ये जो आपने वर्ड बताया ना आईसीटी का, मुझे ना इसकी कंफ्यूजन थी, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ, बस मैं देखता देखता ही रह गया। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा सर आगे है, ये टॉपिक ना बड़ा मजे का है, जो मुझे बड़ा पसंद आया था, डिजिटल बैंकिंग एंड वेयर टेक एंड मोर्टार बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग ये है, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपया एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में भेज रहे हैं। जबकि जो दो है ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग, ये होता है कि इसको कहते हैं फिजिकल बैंकिंग। आपने लाख रुपए जमा कराने जाना है ना, आपने जाना है नेशनल बैंक आ गए हैं, लंबी कतार लगी हुई है, लाख रुपए आपके हाथ में है, आपके हाथ में ना आप चेक भी है या आपके क्रेडिट स्लिप भी है। आप जब 100 बंदों को क्रॉस करके जब आप काउंटर पर पहुंचेंगे, काउंटर काउंटर वाला आपको कहेगा आपने शनाख्ती का नंबर नहीं लिखा हुआ, आपका शनाख्ती कार्ड उसके कुछ फायदे नहीं, उसको आप आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बाय द डिजिटल बैंकिंग? लिखा हुआ है कि बैंकिंग डिफाइंड डन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म डूइंग एनी वे विद ऑल द पेपर वर्क लाइक चेक। आप इन सारी चीजों से ना चेक या पेपर वर्क की जो है ना तंगी से दूर रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक एक्टिविटीज ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जितना बेहतरीन है, हर बंदे के पास जाकर मौजूद है। फलाने दोस्त को पैसे चाहिए, वो भेजिए, घर से पैसे मंगवाने मंगवा लिए, चेक वाला स्लिप वाला डिमांड ड्राफ्ट वाला कुछ चक्कर ही नहीं रहेगा। ये डिजिटल बैंकिंग की डेफिनेशन है। बैंकिंग विद एसेंशियल ट्रांजेक्शन द नट्स एंड बोल्ट्स दैट पीपल विल नीड टू मैनेज द फाइनेंस सीमलेसली डिजिटल बैंक। अब मैं इसमें बताना ये चाह रहा है कि ऑनलाइन और डिजिटल में क्या फर्क है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग में क्या होता है। आसान सब बात है, आप इस पर ना देखें मेरी सुनो। ऑनलाइन ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग में आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। आप डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग ये है, आप पैसे ले भी रहे हैं, पैसे निकाल भी रहे हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी उन्हें देख रहे हैं, आप अपना बैंक स्टेटमेंट ये भी देख रहे हैं कि जनाब आपके पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट क्या चल रही थी, आपने कितने पैसे क्रेडिट किए, कितने पैसे डेबिट किए या कितने डलवाए, कितने निकाले, ठीक है? और आपको डिजिटल बैंकिंग में प्रमोशन भी आ रही होंगी, जिस तरह कैश कैश एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल बैंकिंग की। आपको वहाँ पे आप अपना
आप वहाँ पर अपना बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, गैस का बिल भी दे रहे हैं, नेटफ्लिक्स के पैकेजेस भी आप वहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, आप उसी गैस के ऐसे आप अपने मोबाइल में लोड भी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को पैसे भी भेज रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन। गैस का बेहतरीन है, मुझे लगता है तुम्हें लगती होगी, नेक्स्ट करिएगा सर। वही डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विसेस क्या है, वही स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, सर नेक्स्ट करिएगा प्लीज। इसके बाद क्या है कि ऑनलाइन बैंकिंग के 3 फायदे क्या हैं, स्पीडी है, तेजी से काम करती है और आसानी से काम करती है, आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, आप अपने फीस पे कर सकते हैं, वो भी जब आप गैस कैश यूज करते हैं, जब आप पैसे किसी को भेजते हैं तो नीचे आता है फी ट्रांजेक्शन 0, पैसे नहीं लगते आपको पैसे भेजने के, जब आप किसी दुकानदार से भिजवाएंगे वो आपसे 20-30 रुपये भी लेगा, 50 रुपये भी लेगा, तो ये इस पे आपको पैसे नहीं लगते, ठीक है। वो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, 7 रीजन यू शुड बी यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, कौन सी ऐसी जो इम्पोर्टेंट रीजन है जो है ना आपको ना ऑनलाइन बैंकिंग यूज करनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये है कि आपको एटीएम की फीस नहीं लगती, फॉरेन ट्रांजेक्शन की फीस नहीं लगती, मंथली चार्जेस नहीं लगते, ठीक है, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते, आप जितने भी आपने अपने अगर आपका पीएलएस अकाउंट है, पर्सनल सेविंग अकाउंट है, तो जनाब आपको उससे जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा वो मनी की सूरत में मिल रहा होगा, आपके अकाउंट में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी इसके लिए बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो भी आपके पैसे कटेंगे आपको पहले इसके लिए जो भी अकाउंट ओपनिंग वाला बंदा है वो पहले आगाह कर देता है, ठीक है। मीन कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर अकाउंट, ये सेफ भी है। नेक्स्ट करिएगा सर। अब इसमें वो कह रहा है कि आपके जनाब क्या इश्यूज हो सकते जो बैंकिंग के दौरान है ना आप तो अपनी बैंकिंग कर रहे हैं, इसके दौरान आपके क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन बैंकिंग को मैं इश्यूज लोग है बड़ा चलिए आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। जब आप गैस कैश की एप्लीकेशन नहीं चल रही होती, गैस कैश की जब आप एप्लीकेशन नहीं चल रही होती तो आपको बड़ा इश्यूज होते हैं ना टेली कम्युनिकेशन में, या आपके पैसे वगैरह होते हैं, बाद हम हॉस्टल लाइफ में रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, हमें घर से पैसे निकालने के बाद हमारा एटीएम नहीं चल, हमारा एटीएम नहीं चल रहा होता या नहीं चल रही, तो काफ़ी इश्यूज होते हैं हमें पैसे मंगवाने में, तो फिर हमारे पेरेंट्स मुझे याद पड़ता है कई दफ़ा मैंने पैसे घर से मंगवाए तो वो मेरी तरफ नहीं पहुंचे, तो वो मेरे सुपरवाइजर के अकाउंट में मेरे ने पैसे ट्रांसफर किए, कहाँ से मैंने अपने टीचर के पैसे दिए थे, कई इश्यूज होते हैं तो वो भी देखने पड़ते हैं, मैं भी इसी के अंदर इन्वॉल्व है। इसको जितनी भी डिजिटल बैंकिंग है इसको ई बैंकिंग भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप इसको ड्यूरिंग अपने ग्रुप डिस्कशन में ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड ई बैंकिंग, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिएगा सर। ऑब्जेक्टिव क्या है, वही इश्यूज जो आईटी टीम के जरिए होती हैं, ठीक है, 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं स्टडी के, टू डिटरमाइन द चैलेंजिंग फेस ड्यूरिंग दी एक्सेप्टेंस ऑफ ई बैंकिंग, टू स्टडी द मेजर इशू विच हैज अड्रेस्ड इन्फ्लुएंस ऑन द इंटर बैंक, जाहिर बात है जब आईटी का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके ई बैंकिंग पे ही मसला होगा, जिस तरह नेशनल बैंक की
जो एटीएम या जो एप्लीकेशन में पिछले दिनों प्रॉब्लम रहा है, काफ़ी इश्यूज रहे हैं, पूरा 2 हफ्ते आपको ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम रही है। जो बुजुर्ग हजरात थे हमारे नेशनल बैंक के, उनकी जो आती है पेंशन या उनका जो ब्लैमन फंड आता है, वो ना उनको लेने देने में बड़ा मुश्किल रही है। बैंकिंग और आईटी का इशू है ना, इस वजह से। अगर बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्या फायदे हैं, ठीक है, 24 घंटे और 7 दिन आपको अवेलेबल होती है, आपको चेक की जरूरत नहीं होती, लंबी लाइनों में कतारों में लगने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कस्टमर के साथ आपकी जो है इंटरेक्शन कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ये सेविंग बैंकिंग भी है, इसको सेविंग सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। आप अपने एटीएम के थ्रू आप अपने पैसे निकलवाएं, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, ठीक है, आप इजीली एक्सेसिबल होती है, आपके कंट्रोल में होती है और ये सेफ होता है। जारी बात है, आपकी जो है जितने भी एटीएम्स हैं, अगर पासवर्ड गलत लग जाएगा तो आपको इवन दैट मैसेज भी आएगा और आपका एटीएम कार्ड भी अंदर हैक हो जाएगा, और जो फिर आपको बैंक खुद ही बाद में देगा आपके आईडी कार्ड लेकर। जारी बात है, सिक्योरिटी इश्यूज भी, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपको फायदा भी दे रही है, तो जनाब आपको थोड़ा सा तंग भी करती है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलिएगा सर। अब डिजिटल बैंकिंग क्या ना, इसमें मैंने अगला पॉइंट डिस्कस किया, पहले मैंने डिजिटल बैंकिंग को ना डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग क्या होता है। इसको बेसिकली कहते हैं फिजिकल बैंकिंग, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हम खुद अपने कदमों से चल के जाएँ, वहाँ जाके अपने जो भी बैंकिंग के मामला है वो करें। ए बिजनेस हैज़ अ फिजिकल लोकेशन एट द कस्टमर कैन कंडक्ट द बिजनेस, ठीक है, वहाँ लोग जा रहे हैं, जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसे वगैरह लेके जमा करवा रहे हैं, ठीक है, या आपका मैनुअली होगा, ये क्रेडिट स्लिप के जरिए होगा, या अपना आप मैनुअली लेके जा रहे हैं, इतना दिन कैश के कुछ होगा, ये सारी चीज़ें हैं जो आप बाई हैंड कर रहे हैं बैंकिंग में जाकर। जिस तरह आप यूपीएससी की फीस जमा करवाते हैं, आपको सारे मामला तो पता ही होंगे, नेशनल बैंक में क्या हालात चलते हैं, वही सेम इशू। ये बेस्ट रिसर्च पेपर है, सारे पढ़ लीजिएगा, इनको एक बार देख लीजिएगा पेपर देने से पहले ना, डिस्कशन देने से पहले। नेक्स्ट करिएगा सर। ये वही है फ्यूचर बैंकिंग क्या होता है। फ्यूचर बैंकिंग के ये मैंने डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, मैं इसके आगे प्रॉन्स एंड कॉन्स भी डिस्कस किए हैं, सारी वही इंटरनेट बैंकिंग का मैं बता चुका हूँ, फायदे नुकसान क्या है, पीछे भी वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेट का क्या नुकसान है, इंटरनेट के क्या फायदे हैं, वो सारे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा सर। ऊपर मैंने लिखा बेस्ट आर्टिकल रिटन बाय द न्यू डॉन न्यूज़पेपर, ये लाजमी आर्टिकल, जिन बंदों का ये टॉपिक है भाई जान, ये आर्टिकल लाजमी पढ़े, ये लाजमी आर्टिकल पढ़े। इसमें ना आपको ना बताया गया कि जब ये पिछले साल का वैसे आर्टिकल है, और सॉरी पिछले साल का नहीं, 6 महीने का आर्टिकल है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो आप लाजमी पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसको कह सकें अपने पैनल को, हाँ जी मैंने ये पढ़ा है, ये वैलिड पॉइंट आपके यहाँ से निकल सकता है। सर मैंने ये वाला पॉइंट मैंने पढ़ा है डॉन न्यूज़ के पेपर में पढ़ा है ये मैंने पॉइंट, तो वो कहेगा हाँ जी बंदा भाई तैयारी करके आया, तो ये देख लीजिएगा। आगे ऑनलाइन के डिसएडवांटेजेस क्या है, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज इंटरप्शन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड थेफ्ट कंसर्न होता है, चोरी चकारी का वो डर होता है, ठीक है, आपके एटीएम के मसले मसाए, लैक ऑफ पर्सनल बैंकर रिलेशनशिप, आपका कोई ना जारी बात है, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो आपको को क्या पता जनाब पर्सनल मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है, या हमारा क्रेडिट क्रेडिट ऑफिसर कौन है, जारी बात आपको पता पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या मामला चल रहा है। लिमिटेड स्कोप ऑफ सर्विसेज, आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू चल रहे हैं तो आपको बैंकिंग के हालात का आपको क्या पता चलेगा जनाब, क्या प्रमोशन बैंकिंग ने लगाई हुई है। जिस तरह आज मुझे ईमेल आई है नेशनल बैंक की ईमेल के थ्रू कि आप 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप अपनी कार्ड से जो भी करेंगे शॉपिंग, ठीक है, और उसको आपको 20% और 10% कैश बैक दिया जाएगा। अब यही ऑपरेशन मैनेजर ने, यही इसका प्रिंट लेकर हमारी जो नोटिस बोर्ड है बैंक का वहाँ पर लगाया है, तो ये चीज़ होती है, आपको ना जितनी प्रमोशन का वो पता चलता है। नेक्स्ट करिएगा सर।
वही ब्रिक एंड मोर्टार क्या होता है, फिजिकल बैंकिंग होती है, आप जाते हैं वहां जाकर आप मैनुअली सब कुछ मामला करते हैं, वो सारी आपके फिजिकल जो भी वर्किंग होगी बैंकिंग के रिलेटेड उसको हम ब्रिक एंड मोर्टार कहेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग, उससे फायदा क्या है? एक आपका ये है कि आप अपने पैसे वगैरह लेकर जा रहे हैं तो वो आपके सेफ हैं, आप फिजिकल जा रहे हैं, आपको पता है मैंने लाख रुपए जमा करा तो लाख का लाख ही जमा होना, ठीक है? आप बाहर से खतरे से बच बचा के आए हैं ना, और बैंक में आपने कहा था जी ठीक हो गया जी, गार्ड शार्ड यहाँ बैठे हुए हैं, ओके है जी, अब यहाँ पे स्कूल से एक एक नोट गिनूँ मैं, ओके हो गया, ठीक है? ये भी यहाँ पे फिजिकल बैंकिंग के प्रॉब्लम मसलन खैर थी, वहाँ पे फायदे भी तो है। तो यही मैंने बताया कि मे प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। जारी बात है आप तो मैनुअली जा रहे हैं, आपको न्यू पॉलिसीज का पता चलेगा, न्यू ऑफर्स का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जी मेरे ये मामला चल रहे हैं, फिजिकली आप तो अपना बैंक स्टेटमेंट ऐसे चलते फिरते सर जी मेरी बैंक स्टेटमेंट निकाल दूँ, कान से हमें कोई नहीं है, आई मीन कहेंगे सर जी मेरी बैंक स्टेटमेंट निकाल दूँ, बैंक स्टेटमेंट निकालेगा वो सर जी ये किस चीज़ पे कटे हैं पैसे, 900 रुपया, यार आपको सालाना 80 पर चार्जेस कटे, अच्छा तो पता ही सीधा, कहने का मतलब ये है कि फायदे भी जरूर है, ठीक है? जरूरत होती है लोगों को, हाँ जी सर जी मेरी स्टेटमेंट निकाल दो, ये इसी तरह के ना मामला चलते हैं। वो कह रहा है कि क्या ये बेटर है कि नहीं बेटर, ठीक है वो बेटर इस तरह के ना आप जो है इस तरह बेटर इस तरह के आपकी जो है यहाँ पर जाते हैं आप ऑनलाइन जाते हैं, फिजिकली जब आप ब्रांच विजिट करते हैं तो आपको बस ये बस मसले मसाले यही है कि आपको बस वेट करना पड़ता है, सफोकेशन होती है, पब्लिक बहुत होता है, ठीक है रश होता है, बस आपको ये खतरे खतारे होते हैं बस, और बाकी तो कोई इशू ऐसा नहीं है, ठीक है? आप अपने मैनेजर से अपने पेशेंट मैनेजर से आप कोई भी ऑफर्स के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म की इंश्योरेंस वगैरह की या आपने किसी भी पर्सनल सेविंग की मालूमात ले सकते हैं। जिस तरह अभी शायद अपना जुनैद भाई को पता हो कि नेशनल बैंक ने ना अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट की परसेंटेज 5.85 कर दी है, ये बहुत अच्छा परसेंटेज है कि अगर आपके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपया बढ़ा हुआ है तो आप उसका मंथली प्रॉफिट 600 या 575 रुपीज़ आराम से मिल रहा होगा। तो वेरी बात है ये ऑफर्स का तभी पता चलता है जब लोग वहाँ पे फिजिकली ब्रांच विजिट करेंगे। नेक्स्ट करिएगा सर, हमें क्यों ज़रूरी है ना फिजिकली जाने की बैंकिंग में, पर्सनली टच टू द सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारे को मसले मसाइल हो गए हैं, हमारी ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है, हमारे कोई बैंकिंग बैलेंस का कोई प्रॉब्लम हो, हम फिजिकली जाकर यहाँ जी पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको पहले एक मजे वाली बात बताई है कि सर जी स्टेटमेंट निकाल दें, जी मैनेजर साहब ने स्टेटमेंट निकाल दी, तो सर जी ये 900 रुपया कट गया थे, कितों कटे है क्यों कटे है, नहीं कहने का मकसद ये है कि आप अपने ना आप अपने अकाउंट से पर्सनली टच हैं, और 900 रुपये की टेंशन पड़ गई है उसको, यार 900 रुपया कटा है तो कटा क्यों, कटा कैसे है वो मेरी इजाज़त के बगैर, तो आप उससे ना इन टच रहते हैं इन चीज़ों से ना, तो ये चीज़ है। इन पर्सन सजेशन टू दी फाइनेंस सोल्यूशन, ठीक है कैश एंड फॉरेन करेंसी, आप बाहर से आते हैं पैसे, इसको रेमिटेंस कहते हैं, ई रेमिटेंस कहते हैं, आप आगे वही करेंसी ले सकते हैं बैंक से, ठीक है? जिस तरह वेस्टर्न यूनियन वगैरह है, स्पेशल इन बैंक सर्विसेज, वहाँ बंदे बैठे हुए हैं तो आपको वह सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ना बैंक स्पेशल इन बैंक सर्विसेज में ऐड होती हैं। अश्योरेंस ऑफ पर्सनल सर्विसेज एंड सपोर्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जनाब पर्सनल सेविंग आपकी जो है ना वो इश्योर्ड होती है, अब वो पैसे आपको कहीं नहीं जाते मेरे भाई, ऑनलाइन में फ्रॉड हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपका जायज कैश है, आपने इसमें जनाब 10,000 रुपये डलवा लिया, आप किसी दोस्त को पासवर्ड पता चल गया, उसमें भाई जायज कैश आपको चोरी चोरी ऑन करना है, वहां पे लॉगिन करना है, लॉगिन करके ठक करके पैसे उसके आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में, वो जनाब हिस्ट्री से जाके ट्रांजेक्शन भी डिलीट कर देगा, आपके आया हुआ मैसेज भी डिलीट कर देगा, आपको क्या पता चलेगा जनाब मेरे पैसे कहाँ आए थे कहाँ गए और कैसे रफू चक्कर हो गए, जबकि
बैंकिंग में आपको जनाब ये मसले मजार नहीं होते, 1 रुपया भी बैंक से नहीं कर सकता ऐसे, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट करिएगा सर, वही चीज़ें सारी चीज़ें वो डिस्कस कर चुका हूँ, उसका बैंक के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वही चीज़ें आपकी प्रोडक्ट सेफ होती है उसमें, आपके पैसे सेफ होते हैं बैंकिंग में ना, फिजिकल बैंकिंग में। ठीक है सर, आगे करिए सर, वही चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं सारी चीज़ें। सर मुझे लगता है कि जिन जिन के टॉपिक रेलिवेंट टॉपिक जिन के हो गए हैं वो फिर अपने भी टॉपिक की तैयारी में लग गए हैं, बिल्कुल तो सर, जाहिर बात है सर आज तो टाइम भी किसी के पास नहीं है सही बताऊं तो, क्योंकि टाइम नहीं है, जिन लोगों ने अपने लेक्चर्स लिए ना वो निकल गए ना भाई अपना पढ़ने बैठ गए हैं। नहीं वाकई सर, ये तो अक्सर जो है ना, मुझे जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ तो काफी खुशी होती है जो लोग लास्ट तक बैठे रहते हैं। तो एक मरतबा मुझे याद है हमारे बैच का एक लेक्चर था, वो तकरीबन 12:15 12:30 बजे तक गया और 100 स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ था। तो जी मुझे तो सर, लग रहा था कि ये वो ही 100 स्टूडेंट है जो शॉर्टलिस्ट होंगे एग्रीकल्चर ऑफिसर में। तो हिम्मत है इनकी कि इन्होंने पेशेंटली जो है वो बाकियों के टॉपिक भी सुने और अपने टॉपिक का भी वेट किया। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आपको मजे की बात बताऊं, आज मैंने जब आपका मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको क्या कहा था, सर मैं बहुत थका हूँ, सिर्फ आप मुझे सिर्फ 2 टॉपिक आज मैंने मेंशन करने थे बस। सर आप यकीन करें यकीन करें, मैं सुबह 6:30 5 बजे 6 बजे उठता हूँ, मेरा आउट ऑफ सिटी मेरी पोस्टिंग है और 1.5 घंटे का मेरा सफ़र है, और मैंने अपनी गाड़ी पे जाना है और अपनी गाड़ी पे आना है, तो सर आपको पता है 1.5 घंटे का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र होता है, और वहाँ से मैं आज इवन के सर आज इतफाक देखें क्या हुआ है, आज मैंने बहाना बनाया कि आज सर मैं रीजन जा रहा हूँ, आज मुझे जल्दी जाना है, वैसे मेरा आने का जल्दी आने का मकसद यही था कि मैं ना इनके लिए टॉपिक तैयार करूंगा, तो वही बात ही आप रीजन भी मुझे जाना था, पर रीजन ये है कि मुझे टाइम जल्दी लग गया, मेरा टाइम 15-20 मिनट मेरा टाइम वहाँ पे लगा है तो मेरा काम हो गया, तो आया हूँ सर आके लिए बैठा हूँ उनके लिए, सब दोस्तों के लिए मेहनत की है, बाकी अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, अल्लाह पाक उनको जजाए खैर दे, और ये सारी मोहब्बत का शुक्रिया है इनकी सर। जी सर देख बिल्कुल लें कमेंट देख लें सर, ये लोगों बिल्कुल ने क्या कुछ। जी जी जी, बीइंग बैंकर जो है वो मुझे भी आइडिया है कि काफ़ी टफ हो जाती हैं चीज़ें मैनेज करना। तो आपने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया है। तो अभी सर हम एक दो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आई हैव टू स्पीक इन अगेंस्ट ऑफ दिस टॉपिक सर, काइंडली मेंशन सम पॉइंट्स अगेंस्ट ऑफ दिस टॉपिक। डज द एडवेंट ऑफ इंटरनेट चेंज द रोल ऑफ टीचर, इसके अगेंस्ट सर वो पूछ रहे हैं जी कि कोई टॉपिक बताएं आप, पॉइंट लिख एक दो। के सर मैं एक दफा देख लूँ, आई हैव टू स्पीक इन गेस्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसके अंगेस्ट बोलना है यार, इसके अंगेस्ट यही होगा कि आपने इंटरनेट के अंगेस्ट बोलना है ना, आप इंटरनेट के अंगेस्ट मैंने आपको इतने इतना डाटा बताया कि आपका टीचर बिहेवियर वो सारा चेंज हो गया है, ठीक है, आपके एजुकेशन लर्निंग सिस्टम बिहेवियर, आपकी टेक्नोलॉजी जो इनोवेटिव आइडियाज से वो खत्म हो गए, ये इंटरनेट की क्या कहते हैं, अगर उसके अंगेंस्ट बात करनी तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आप अपनी जो टीचर से फिजिकल रिलेशनशिप है आपका टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन वो सारा खत्म हो गया है, आपकी एबिलिटी कैपेबिलिटी पावर सारी विल पावर सारी खत्म हो गई है, इंटरनेट ने सब कुछ आपको खत्म बर्बाद कर दिया है, ये बेहतरीन पॉइंट है सर, वो स्लाइड में मेंशन है, तो ये जब वीडियोस आप यूट्यूब पर डालेंगे बच्चे इसे देखें और इसको समझ सकते हैं बड़े अच्छे, मैंने बड़े अच्छे तरीके से, ये पहला टॉपिक ही था जिसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया। बिल्कुल सर, डिजिटल बैंकिंग वर्सेस ब्रिक एंड मोर्टर बैंकिंग की फेवर में बोलना है तो क्या मैं जस्ट डिजिटल बैंकिंग की फेवर में बोलूंगा? ये डिपेंड करता है, अगर आप ये मियां इश्तियाक साहब ने पूछा है कि क्या वो पूछना ये चाह रहा है, अगर ये दोनों दोनों या वो डिजिटल बैंकिंग की बात करे या तो ब्रिक मोर्टर की बात करे, भजन एक ही बात करनी है, या तो चीज़ अच्छी होती है या तो बुरी होती है, ये नहीं कहेंगे जनाब ये मेरा लैपटॉप अच्छा भी है और गंदा भी है, आप ये कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इसे वो जो अपना बैठा हुआ पैनल बैठा वो कहेगा यार ये क्या, ये दोनों कोई ठीक कह रहा है, हमने तो इसे सजेशन दी है, ये भाई कह रहा है दोनों ठीक है, तो मेरे भाई दोनों में से एक चीज़ को बोलना है, अगर आपने मेरी
हैं तो आपको ये बेहतर पता है कि आप वीडियो देखें उनको सुने, इसमें से टॉपिक मैंने मेंशन किए, जो चीज़ आपको बेहतर लगे। डिजिटल बैंकिंग के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप डिजिटल बैंकिंग को बिस्मिल्ला करें, अगर आप इसके फेवर में बोलना चाहते हैं तो उसके फेवर में बोलें, ये आप पे डिपेंडेंट है। जी सर, आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें इसमें? जी बिल्कुल सर, वो एक तो ये भी यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि हमने अगेंस्ट जो है वो पूरे टॉपिक के बोलना है या इन दोनों को जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दोनों को आप कभी नहीं राइट में कह सकते हैं। अगर आप दोनों को राइट लेकर चलेंगे तो भाई चंद आप गलती गलत किसको कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसमें ये है सिंपल कि अगर आपने फेवर में बोलना है तो डेफिनेटली फिर जो हाँ फर्स्ट है आपका डिजिटल बैंकिंग उसकी फेवर में बोलेंगे, और अगर अगेंस्ट बोलना है तो इसका मतलब है ब्रिक एंड मोटर के आप फेवर में बोलेंगे। हाँ जी, दोनों में से जो मर्जी पॉइंट पर पकड़ने, या गेस बोलने या तो उसके एग्री में बोलने, बस दोनों को भाई चंद कभी साथ ना चलाइएगा एक साथ, तो ये हुसैन दोनों से। कुमैल जी, हुसैन कुमैल नकवी साहब है, इन्होंने भी पूछा है कि जो अगेंस्ट में बोलने क्या वो दोनों बैंकिंग के अगेंस्ट में बोलेंगे? नहीं जी, वो दोनों बैंकिंग के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, वो फिर ब्रिक एंड मॉर्टर के जो है फेवर में बोलेंगे। जी सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो है वो अपनी प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के साथ टाइम मैनेज किया और काफ़ी देर तक जो है वो स्टूडेंट्स को टाइम और वैल्यूएबल जो है वो डाटा और लेक्चर्स आपने डिलीवर किए, तो थैंक यू सो मच। बेसिकली यही हम बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। मियाँ इश्तियाक साहब हैं जी, कहते हैं थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। बेसिकली आई एम ऑल्सो अ बैंकर फ्रॉम बैंक ऑफ पंजाब, हेयरिंग इज रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस, अल्लाह फुलफिल योर डिजायर्स बंडल ऑफ थैंक्स। जी थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मीटिंग करते हैं सर, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क जो आप देना चाहें स्टूडेंट्स के वाले से। अरे इनके लिए यही है बेहतरीन, वही बात कहूंगा यार, खुदा रा अपने ना बैकग्राउंड का ख्याल रखिएगा, बैकग्राउंड बेहतर हो। पता क्या है, इसके लिए आप ना एजुकेशन पे लोग बड़ा ब्लेम, वो कराची वाले हैं, कराची में आईबीए चल रहा है, कराची में यूनिवर्सिटी चल रही है, नमल चल रही है, कुछ इस तरह की अजीबो गरीब यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ही हो रहा है। वो यही समझते हैं यार यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फैसलाबाद, वो किसी गाँव में ही होगी। तो बेहतर है भाईजान अपनी वेल ड्रेसिंग होकर जाएं, आप उनको पता चलेगा यार आप एक प्रोफेशनल पंजाब के किसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। बस यही है, मैं तो सर यही कहूंगा, और तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिस तरह आपने मुझे भी बताया कि वो जो लड़के चारपाई पे बैठ के वो आपको स्क्रीनशॉट हुए, सर ये मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है इस बारे में। प्रोफेशनल अल्लाह अल्लाह करके आप यहाँ तक पहुँचे और आप बीच में ये ऐसे कर रहे हैं। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, और स्टूडेंट्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो मियाँ इश्तियाक साहब हैं जी, इंशाल्लाह लाजमी मुलाकात करेंगे हम दोबारा। जी सर, जामिया प्लीज़ पोस्ट ऑन स्टेटस। जी बिल्कुल, मैं स्टेटस लाजमी लगाता हूँ जब भी यूनिवर्सिटी आना होता है, तो इंशाल्लाह लाजमी सर आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। माई क्वेश्चन प्लीज सर, ये एक क्वेश्चन जी सुन है रहा हूँ। शहरियार साहब का, लास्ट क्वेश्चन है, टीवी हैज़ टू रोल्स, टू इंफॉर्म एंड टू इंटरटेन पीपल, एक्सप्लेन विच ऑफ दीज रोल यू सी एज इम्पोर्टेंट, इसके अगेंस्ट में कैसे बोलूंगा काइंडली बता दें। टीवी हैज द टू रोल, ठीक है, टू इंफॉर्म एंड टू एंटरटेन द पीपल, एक्सप्लेन व्हिच ऑफ दीज दो व्हिच ऑफ दीज रोल रोल यू सी इंपॉर्टेंट। भाई मेरे अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बात की है, आप ना इंफॉर्मेशन को आप पकड़ें, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को टू इंफॉर्म को आप पकड़ें, आप इंटरटेनमेंट को कभी भी ना पकड़ें। भाई इंटरटेनमेंट गाने बजाने बाजे हैं, यही है। इंफॉर्मेशन में आपकी एजुकेशन है, आपकी दीनी एजुकेशन है, आपको दुनियावी एजुकेशन है, आपका क्या कहते हैं जितनी भी एजुकेशन के हवाले से जो भी चीज़ है भजन, वो आपको इंफॉर्मेशन टेलीविजन प्रोवाइड कर रहा है। इंटरटेनमेंट में भजन आपकी स्पोर्ट आ जाती है, गेम आ जाती है, टीवी आ जाता है, वो सॉरी फिल्म्स आ जाती हैं, गाने वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से ना, बाकी आप बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल से तो आप इसको ना टू इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करें आप। सर आप सर जुनेद आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं भी सर यही कहूंगा कि आप जो है इंफॉर्मेशन को ही जो है वो चूज़ करें इसमें, तो क्योंकि इंटरटेनमेंट जो है वो समथिंग डिफरेंट, तो इंफॉर्मेशन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शन आ जाते हैं, डोमेन्स आ जाती हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो सारी प्रोडक्टिव डोमेन्स होती हैं, तो इंफॉर्मेशन को ही चूज़ करना चाहिए। सर जी सर, शहरियार भाई कह रहे हैं कि इसके गेंद जाना है।
किसके नीचे जाना है? क्योंकि पहला तो जो इनका क्वेश्चन है टीवी हैज टू रोल्स, उसमें तो इसमें खुद ही लिखा है विच ऑफ दीज टू रोल्स यू सी एज इम्पोर्टेंट, तो डेफिनेटली आपने इनमें से एक ही बताना है जिसको आप इम्पोर्टेंट फील करते हैं, तो इसके अगेंस्ट में कैसे बोलूंगा काइंडली बता दें। सर मुझे तो क्वेश्चन इससे भाई का मिल नहीं रहा, कहाँ इसका क्वेश्चन है मुझे, आप थोड़ा सा काइंडली इसका ना मुझे या तो वो टैग कॉपी करके पेस्ट कर दे, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। सर इन्होंने ना दो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, एक जो आपने पहले पढ़ा था इनका, तो हाँ जी ये ठीक मैंने दोनों ही जो है ना पोस्ट कर दिए हैं। है, अब इसका हम पहले ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ें। डज दी जी सर ना, डज टीवी है टू रोल्स, ठीक है, टीवी है टू रोल टू इंफॉर्म एंड टू एंटरटेन दी पीपल, एक्सप्लेन दी रोल यू सी एज इम्पोर्टेंट दी एंगेज्ड। अगर एंगेज में बोलना है मेरे भाई तो आप एंटरटेनमेंट को एंगेज में रखें, आप इंफॉर्मेशन को किस तरह एंगेज कर सकते हैं, आप अपने दुनियावी तालीम को आप एंगेज जा सकते हैं, आप दीनी तालीम को एंगेज जा सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन लर्निंग के एंगेज जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते, इसके बारे में भाई पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। इंटरटेनमेंट पे आपको पॉइंट मिल सकते हैं कि जनाब आप मूवीज नहीं देखेंगे, ठीक है, आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे, ठीक है, जिस तरह ये तुर्किश ड्रामे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आप अपनी जुबान से हट के आप तुर्किश के कुछ अल्फाज सीख रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज तो खैर बेहतर हो रही है, बल बच्चों की उर्दू टर्मिनोलॉजी से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी चेंजिंग हो रही है, तो सर ये इसके एंगेज्ड ही हैं मूवीज में, जो सारी आपको चीजें देख पता ही नहीं है, सारी वही एक वो ख्वाबी जिंदगी है, ड्रामा एक ख्वाबी जिंदगी है, ड्रामे में क्या दिखाया जाता है जबकि रियलिटी में ना तो वो शहजादा होता है ना वो शहजादी होती है, ठीक है, तो बिल्कुल, ये चीज है इसमें सर। जो है ना वो इल्यूजन ज्यादा है एंटरटेनमेंट में, तो आप एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, और जो चीजें इल्यूजन की तरफ लेके जाती हैं तो उसको आप फोकस करके उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़।